हाई, दिस इज सप्तऋषि और आज का इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ मेरा जो 3 मंथ्स का ट्रैवल जर्नी था इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो बेसिकली इसको मैं ट्रैवल जर्नी नहीं बोल सकता हूँ, ये एक लर्निंग जर्नी था। मैंने ट्रैवल किया था कुछ सीखने के लिए। मेरा जो ट्रैवल जर्नी था दैट स्टार्टेड 2019 नवंबर से लेके 2020 का जनवरी तक। सो आई ट्रैवल अराउंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। पूरा नॉर्थ ईस्ट तो कवर नहीं कर पाया था क्योंकि मैं अगर बात करूँ ऐसे पर्सनली आपके साथ कि मैं किस तरीके से ट्रैवल करता हूँ, सो मेरा जो ट्रैवल का इंटेंशन होता है वो दैट इज पूरा पूरे ब्लैंक होता है कि मेरे को कोई टूरिस्ट प्लेसेस जाना नहीं होता है या फिर कोई स्पेसिफिक ट्रैवल करने के लिए कोई जगह पे जाना नहीं होता है। मैं खाली एक्सपीरियंस लेता हूँ, अलग अलग लोगों से मिलता हूँ और उनके साथ मिलके कुछ सीखने का कोशिश करता हूँ। तो लास्ट 2 साल से मैंने इसी तरीके से अलग अलग लोगों से मिला हूँ और जो लाइफ एक्सपीरियंस था वो लिया हूँ और अलग अलग चीज मैं सीखने का कोशिश किया हूँ। शायद ये जो मैं फिल्म मेकिंग कर रहा हूँ या फिर मेरा जो वीडियोज बन रहा है ये भी मैंने कहीं ना कहीं किसी से सीखा हूँ और ट्रैवल करते हुए ही सीखा हूँ। तो ये सारा चीज है। तो बेसिकली मेरा जो नॉर्थ ईस्ट का ट्रैवल जर्नी था दैट वाज क्वाइट अमेजिंग। किस तरीके से मैंने स्टार्ट किया था वो मैं इन शॉर्ट थोड़ा सा बता देता हूँ। देयर इज वन वेबसाइट जिसका नाम है thebetterindia.com। वहाँ पे काफी सारे पॉपुलर लोगों के बहुत सारे स्टोरीज शेयर होते हैं, कोई कुछ अच्छा कर रहे होते हैं हमारे सोसाइटीज में उनका। तो मैंने वहाँ पे सिंपली आसाम पे ऐसे लिखा था कि आसाम पे ऐसे कौन से लोग हैं जो इस तरीके से बहुत पॉजिटिव चीजें कर रहे हैं और बहुत अलग अलग चीजें कर रहे हैं। तो वहाँ पे मेरे को समीर सर के बारे में पता चला। तो ही इज द गाय जिन्होंने अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक रेवोल्यूशन टाइप स्टार्ट किया आसाम पे, एंड उनका जो कहानी है मैं उसको भी ऐड करूंगा इस वीडियो पे। तो उनके साथ मैंने बात किया और उनको मैंने बस ये बोला कि सर सिंस लास्ट 2 ईयर्स मेरे को नॉर्थ ईस्ट पे ट्रैवल करना था बट मैं रॉ ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ और ग्रास रूट लेवल्स पे जा नहीं पा रहा हूँ, तो क्या आप सपोर्ट करेंगे मेरे को नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल करने के लिए और आपके फार्म पे मेरे को इनवाइट करेंगे क्या और आपके साथ मैं रह सकता हूँ क्या। तो उन्होंने बहुत ओपन हार्टेडली मुझे इनवाइट किया और उनके फार्म पे मैंने अराउंड 2 महीने ऊपर नीचे ऐसे ही था और काफ़ी सारा चीज़ एक्सपीरियंस किया। और उनके फार्म पे रहते हुए मैंने अलग अलग जगहों पे ट्रैवल किया, नागालैंड पे हॉर्नबिल फेस्टिवल पे गया, तो वो सारा चीज़ मैं आगे जाते हुए शेयर करूँगा। अभी मैं शेयर करता हूँ मेरा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ट्रैवल जर्नी था उसका रूट के बारे में। मेरा जो ट्रैवल जर्नी स्टार्ट हुआ था वो शुरू हुआ था मेरा घर से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बर्धमान रेलवे स्टेशन से असम का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन तक। मैंने अपना नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ट्रैवल जर्नी में इंडियन रेलवे का जनरल डब्बे पर ट्रैवल किया जो अराउंड 14 घंटे का जर्नी था और मैंने 240 रुपीज़ दे के जनरल डब्बे का टिकट लिया था। अब मैं ये शेयर करता हूँ कि मैं जनरल डब्बे में इतना ट्रैवल करना पसंद क्यों करता हूँ। सबसे पहले मेरा जो 14 आवर्स का जनरल डब्बे का ट्रैवल जर्नी था उसके दौरान मैंने काफ़ी सारे लोगों से मिला, 14 घंटे के लिए एक छोटा सा परिवार जैसा बन गया था हमारा। उसके साथ साथ यूट्यूब के लिए कॉन्टेंट, ट्रैवल के लिए और कनेक्शंस और छोटे से बजट में और लंबा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाना। मैं गुवाहाटी पहुंचने के बाद समीर सर का फार्म गया जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर था, जो मैंने हिच हाइकिंग करके ट्रैवल किया। और उनके फार्म पे जाके मैं ये सीखा कि खाना उगाना कितना ज़रूरी चीज़ है और उसके साथ साथ खाना का इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों उगाना भी इतना इम्पोर्टेंस है। तो मैंने खुद का किचन गार्डन बनाया और काफ़ी सारा चीज़ वहाँ पे जाके मैंने एक्सपीरियंस किया। समीर सर ये सारा चीज़ पिछले कई टाइम से आसाम में अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं, उनके एक ऑर्गेनाइजेशन है स्प्रेड एनी, और उनके साथ साथ मैं जुड़ के काफ़ी सारा चीज़ एक्सपीरियंस किया। आगे जाने से पहले मैं उनका एक छोटा सा इंटरव्यू ऐड कर देता हूँ इस वीडियो पे कि पता चले आपको कि समीर सर क्या काम करते हैं और किस लेवल पे काम कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट पे। मेरा नाम फार्मर समीर बोल रहे हैं, इन्होंने बताया। मैं फार्मर लिखता हूँ नाम से पहले क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर डॉक्टर लिख सकता है DR, अगर इंजीनियर लिख सकता है ER, तो फार्मर क्यों नहीं जो सबको खाना खिलाता है। तो आई एम प्राउड टू बी ए फार्मर और नॉर्थ ईस्ट पे हम अभी काफ़ी सारे फार्म के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पे हम 0 बजट इकोलॉजिकल फार्मिंग प्रैक्टिसेस करके हम खेती करते हैं और जंगल में हम पहाड़ी में जंगलों में जो हमारे एडिबल क्रॉप्स है उनको भी हम वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करके जंगल में फॉरेस्ट एक एडिबल फूड फॉरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। सोनापुर 25 किलोमीटर है गुवाहाटी शहर से, वहाँ पे हमारा फार्म है जहाँ हम ये करते हैं। और साथ पे हमने ये देखा कि फार्मिंग में प्रॉफिट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसान का बच्चा किसानी नहीं करना चाहता। इसका एक मेजर रीज़न ये भी है कि ये जो फूड इंडस्ट्री है बहुत बड़ा है और इस पे सारे कॉरपोरेशंस आने चाहते हैं और किसान को कहीं ना कहीं शायद एलिमिनेट भी करना चाहते हैं क्योंकि उनको अपना जो फूड आइटम्स है उसको बेचना है। काफ़ी इनपुट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर है जहाँ पे किसान
बीज से लेके उसका पैदावार निकालने तक वो इनपुट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत कॉस्टली है, तो प्रॉफिट कम हो जाता है। तो इसके वजह से हम देख रहे हैं कैसे हम जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो लोकल पीपल लोकल फूड लोकल इकोनॉमी, जो हमारे लोकल जगह पे जो खाना मिलता है उसको खा के कैसे हम अपने न्यूट्रिशियस रहे, हेल्दी बने, और साथ में उसको कैसे हम ग्रुप बना के हम उसको प्रमोट करें और उसको एक प्रोडक्ट बना के इंटरनेशनल मार्केट तक ले जाएं। हाँ, बच्चों को लाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसको हमने बोला अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स टू एग्रीप्रिनरशिप, और हमने उसको नाम ASAP दिया, मतलब एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि अगर सारा इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री किसान के हाथ पे रहना है तो किसान का बेटा को किसानी पे आना है। हम स्कूल में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करके बच्चों को खेती सिखाते हैं, वो वहाँ पे कंपोस्टिंग वर्मी कंपोस्टिंग और वो अपना बायो इंटेंसिव रेज बेड बना के अपना स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन बनाते हैं, और जो भी पैदावार होता है वो सारे लोकल क्रॉप से कराते हैं ताकि वो सीड सेविंग या तो बीज बचाने के भी वो सोचे, और वो जो भी उत्पादन करता है वो अपने मिड डे मील में वो कंज्यूम करता है, और न्यूट्रिशन का भी उसको ज्ञान आता है, साथ में वो अपने घर पे कैरी करता है। तो ये जो मॉडल है अभी ये एक्सटेंशन का काम कर रहा है, जो हम अपने उनके माताओं के सब पहुंच रहे हैं, और उनको माताओं को हम होमस्टेड गार्डन डेवलपमेंट अपने जो बारी होते हैं घर के साथ के उसको डेवलप कराते हैं, और साथ में एक मॉडल विलेज का क्रिएट करते हैं बच्चों के एक्शन के थ्रू। बच्चों को जितना भी टेक्स्ट बुक में सिखाया जाता है वो एक्टिविटी बेस करके वो अपने फार्म में सीख सकते हैं, वो वहाँ पे ज्योमेट्री हो, वो फोटोसिंथेसिस के बारे में हो या साइंस हो, सारा वो लेबोरेटरी बन जाता है उनका गार्डन। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो कौशल, जीवन के जो लाइफ स्किल्स जैसे लव कंपेशन या तो पेशेंस, वो सारे वो किसानी में या खेती करने में वो बच्चों को मिट्टी के टच के साथ उनका वो सारे गुण भी उनके पास आते हैं। हम अभी फार्म पे यूथ्स के साथ काम कर रहे हैं ताकि वो अपने खेती में रहे, और हम अपने जो सोनापुर के फार्म हैं वहाँ पे कैंप लगा के रखे हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पे हमारे जो रूरल यूथ्स है जो गांव पे रहते हैं लड़के और लड़कियाँ, उनको खूब फौज में जाने का दिल होता है या तो पुलिस बनने का दिल होता है, जब वो नहीं सकते हैं तो बहुत बार ये भी देखा गया है कि वो जंगल जाके भी बंदूक उठा लेते हैं और उग्रवादी बन जाते हैं। तो हमने सोचा कि जब इतने डिसिप्लिन में कैंप में रख के अगर हम अपने बदन में बॉम्ब बांधने वाला उग्रवादी बना सकते हैं तो हम किसान भी बना सकते हैं। तो वहाँ पे हमने वो माहौल बनाया है, और उस जंगल में हम कैंप करते हैं 3 दिन 5 दिन का, जहाँ पे हम यूथ्स को लाके वो पूरा सुबह से शाम तक आर्मी की तरह किसानी का जैविक खेती जीरो बजट फार्मिंग का सिखाते हैं, और उनको हम ग्रीन कमांडोज नाम देते हैं। और हम अभी हमने लास्ट फरवरी से शुरू किया था, और अभी हमारे पास 280 ग्रीन कमांडोज सारे नॉर्थ ईस्ट पे काम कर रहे हैं, और ये लोग जाके अपने कम्युनिटी को अडोप्ट करते हैं, एक पास के स्कूल को अडोप्ट करते हैं, और ये स्कूल के प्रोग्राम को भी वो इम्प्लीमेंट करते हैं। खेती में जो मिडलमैन है उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, किसान को कम प्रॉफिट होता है। तो हमारे जो कमांडोज है वो जाके खेती कराते हैं, लोगों को सिखाते हैं, और उनको कोऑपरेटिव बनाते हैं, और जो भी प्रोडक्ट होता है उसको लाके कंज्यूमर्स को, जैसे सिटीज़ है, गुवाहाटी है, जोरहाट है, डिब्रूगढ़ है, वहाँ पे सिटीज़ में वो आके कंज्यूमर्स को कन्विंस करते हैं कि आप एक किसान को अडॉप्ट करो अपने फूड के लिए, और उनको एक ब्रिज बनते हैं उनके बीच में, और थोड़ा सा प्रॉफिट जो पहले मिडलमैन अगर ज़्यादा ले रहा था अभी ये कम लेके वो अपने आप को भी एस्टैब्लिश करता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि टमेटो पहले सेल होता था 20 रुपीज़, अगर कोई सिटी में कोई ख़रीदता है तो किसान को हार्डली 5 रुपये या 7 रुपये मिलता था, और बीच के सब मिडलमैन को जाते थे। अभी हमारे ग्रीन कमांडोज क्या करते हैं, वो 5 रुपये अपने को रिटेन करते हैं और 15 रुपये वो किसान को देते हैं, उसको रेसिप्रोकेट करके हमने एक मॉडल क्रिएट किया मार्केट लेड एक्सटेंशन। सपना दिखाना ज़रूरी है सारे यूथ्स को। मैंने एग्रीकल्चर पास करके गवर्नमेंट का जॉब कर रहा था, मैं उसको छोड़ के मैंने किसानी किया है, और फार्मिंग को स्टाइलिश और ग्लैमरस करना ज़रूरी है, तो इसलिए हम काफ़ी स्टाइलिश फार्मिंग क्रिएट कर रहे हैं, स्टाइलिश फार्मर्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि इसको ग्लैमराइज किया जा सके। और इसीलिए हमने बड़े फार्म्स भी इस्टेब्लिश किए, जोरहाट में MD's ऑर्गेनिक फार्म को इस्टेब्लिश किया, जहाँ पे 250 गाय के साथ 500 मेट्रिक टन हम वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन करते हैं, वहीं पे ट्रेनिंग देते हैं, वहीं पे एग्रो टूरिज्म लाते हैं। मैं फिर से रिपीट करूँगा कि सर्विस
जो बहुत इम्पोर्टेंट है फार्मिंग में भी। फार्मर को सिर्फ खेत नहीं करना है, उसके खेत को लोगों को लाके वहाँ पे उसको वो टूरिज्म भी अगर ले आए, सर्विस ले आए, ट्रेनिंग ले आए, स्कूल के एक्सपोजर विजिट ले आए, एजुकेशनल टूरिज्म ले आए, तो वो सस्टेन कर पाएगा। क्योंकि आज हम बीज बोते हैं और चार महीना बाद हमको फल मिलता है, वो चार महीना हम कैसे जिएंगे उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। और ये मॉडल हम अपने से क्रिएट कर रहे हैं और फिर हम गवर्नमेंट को ये देना चाहते हैं कि ऐसा मॉडल हमारा सक्सेसफुल हो रहा है और हम आपको ये गवर्नमेंट पॉलिसीज में एडवोकेट करना चाह रहे हैं। सर, आपने जो है वो ग्रीन कमांडो की बात कही, तो ग्रीन कमांडो मैं जानना चाहती हूँ, जो बच्चों को आप तैयार करते हैं ग्रीन कमांडो एग्रीकल्चर के लिए तैयार कर रहे हैं, तो क्या उनके पेरेंट्स जो है वो सपोर्ट करते हैं कि जो अगर खेती कर रहे हैं अगर उनको नुकसान होता होगा तो वो सपोर्ट नहीं करते होंगे, तो उनको कन्विंस करना कितना मुश्किल हो जाता है? अभी खेती में बच्चों को लाना इतना चैलेंज नहीं है जितना उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बेटे को किसान बनाने का सपना नहीं देखता है, वो या तो डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का देखता है। हालांकि एरिस्टोटल ने बहुत पहले ही बोला था कि फ्यूचर डिजीज़ जो है, बीमारी जो है, वो अच्छे फूड से क्योर होगा, मेडिसिन से नहीं। फिर भी हम नहीं समझते हैं कि किसान ऐसा एक किसानी प्रोफेशन है जहाँ पे हम अच्छा फूड दे के सारे सबको अच्छा कर सकते हैं। तो हम अभी काफ़ी पेरेंट्स के साथ मीटिंग करते हैं, बच्चों के बीच में मॉडल क्रिएट करते हैं। तो सोशल एंटरप्राइज जो एक साथ सब करने का, क्योंकि रिस्क बियरिंग कैपेसिटी भी बहुत कम होता है हम लोगों का, कि रिस्क नहीं ले सकते हैं कि ये लोग खेती करके वो अपने आप को चला पाएगा, इसीलिए हम सामूहिक जो खेती करते हैं और सोशल एंटरप्राइज क्रिएट करके, मॉडल क्रिएट करके पेरेंट्स को भी कन्विंस करने का कोशिश कर रहे हैं। मैंने भी जब पहले ग्रीन कमांडोज तैयार किया तो काफ़ी नागालैंड से मेरे यूथ्स आए थे, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि सर हमको नौकरी नहीं करना है, हमको खेती करना है। जाके उन्होंने ग्रुप बनाया और उन्होंने खेती भी किया, लेकिन अच्छा इनकम भी किया। उन्होंने दो महीना में कम से कम 2,50,000 रुपये इनकम किया, छः लोगों के बीच में, जो शायद एक MSW स्टूडेंट्स थे वो लोग, मास्टर ऑफ सोशल वर्क्स, उनके लिए अच्छा पैसा था। लेकिन पेरेंटल प्रेशर की वजह से वो सारा ग्रुप टूट गया और उन्होंने, क्योंकि सबको लगता है कि तुमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहिए, तुमको पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम देना चाहिए, तुमको अफसर बनना चाहिए। तो हम अभी पेरेंट्स को भी कन्विंस कर रहे हैं और उनके बीच में भी मीटिंग्स करते हैं और उनको दिखाते हैं कि ये सब सक्सेस स्टोरीज है। समीर सर, उनके इंटरव्यू में जो ग्रीन कमांडोज के बारे में बात कर रहे हैं, मैं भी उस कमांडोज का हिस्सा था, मतलब ग्रीन कमांडोज का हिस्सा था। तो ग्रीन कमांडोज को इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो ये एक 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जहाँ पे यूथ्स को या फिर जो फार्मर्स हैं उनको जीरो बजट नेचुरल इकोलॉजिकल फार्मिंग सिखाया जाता है। उनके साथ साथ फार्मिंग के साथ कॉम्पेशन, मतलब एग्रीकल्चर का अगर हम लोग वर्ड को छोटा छोटा ब्रेक करें तो उस पर आता है एग्री प्लस कल्चर, ये दोनों मिलकर एग्रीकल्चर होते हैं। एग्री मीन्स जमीन एंड कल्चर, तो जमीन के साथ हम सबका कल्चर जुड़ा हुआ है, हम लोग जमीन से अलग नहीं है। तो ये सारा चीज वो वहाँ पे सिखाते हैं। मैं भी वहाँ पे 3 दिन के लिए था, काफी इंटरेस्टिंग था वो सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम, काफी सारा लोगों से जानने को मिला, काफी नए फ्रेंड्स बने वहाँ पे। जैसे ही मेरा ग्रीन कमांडोज का ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म हुआ उसके बाद आई वेंट टू मेघालय, वहाँ पे जाके उन्होंने एक दूसरा प्रोग्राम चलाते हैं, दैट इज यात्रा, यूथ अट्रैक्शन टूवर्ड्स रूरल एग्रीकल्चर। क्योंकि अगर आप देखो तो शहर के जो यूथ होते हैं, 90% शहर के जो यूथ हैं उनको खुद का खाना उगाना नहीं आता, तो खाना उगाना एक बेसिक चीज़ है अपनी ज़िंदगी में, ये तो सबको सीखना ही चाहिए। तो उन्होंने ऐसे अलग अलग यूथ को इनवाइट करते हैं, मैं भी उनके साथ गया था मेघालय के अलग अलग गांव पे किचन गार्डन बनाने के लिए। तो हम लोग 3-4 गांव पे गए, लेकिन आज तक मुझे उस गांव के लोकेशंस पता नहीं चले, ना वहां पे इंटरनेट काम करता था, ना वहां पे सही तरीके से मोबाइल नेटवर्क तो आते ही नहीं थे, और जो मॉडर्न एक्टिविटीज़ है रोड्स वगैरह वो भी उतना सही नहीं था। तो दैट वॉज क्वाइट अमेजिंग जर्नी, जहाँ पे मैं मतलब विदाउट गैजेट एंड सारा चीज़, काफ़ी सारा चीज़ मैंने कनेक्ट कर पाया वहाँ पे। देन आफ्टर दैट आई केम बैक टू गुवाहाटी और वहाँ पे दूसरा ग्रीन कमांडोज का बैच चल रहा था। मेरा जो बैच चल रहा था ग्रीन कमांडोज का, उसमें ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट्स आए थे अलग अलग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के। तो उसमें स्टूडेंट्स को, अभी का जो स्टूडेंट्स है वो फार्मिंग पे बहुत ज़्यादा अपना इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं, उस पर मेरे को देखने को मिला। फिर उसके बाद काफ़ी सारे फार्मर्स आए थे जो अलग अलग नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में से थे, तो उनके साथ साथ मिलके मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। उनके साथ साथ उनका एक्सपीरियंस भी जानने को मिला कि फार्मिंग करते हुए क्या क्या
परेशानी आता है मोस्टली इनके बारे में। एंड उसके बाद मैंने गुवाहाटी से डिमापुर गया और डिमापुर से कोहिमा गया हॉर्नबिल फेस्टिवल देखने के लिए। एंड हॉर्नबिल फेस्टिवल देखने के बाद मैंने फिर गुवाहाटी रिटर्न आया और गुवाहाटी पे आने के बाद समीर सर के साथ और एक लड़का काम करता है उसका नाम मृगांको है, तो उसने अपने घर पे मेरे को इनवाइट किया। एंड आफ्टर दैट मैंने उसका घर गया, फिर गुवाहाटी उनके फार्म पे वापस आया, देन आफ्टर दैट मैं अपना घर पहुंच गया वेस्ट बंगाल। नागालैंड का जो मेरा जर्नी था नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही अंदर, दैट वाज क्वाइट मतलब अमेजिंग जर्नी, उसका छोटा सा हिस्सा मैं ये सुनाना चाहता हूँ। व्हेन आई रीच्ड बेसिकली फ्रॉम गुवाहाटी टू डीमापुर, मैंने पूरा हीच हाइकिंग करके ट्रैवल किया था और थोड़ा सा डिस्टेंस मैंने जनरल कॉम्पार्टमेंट पर ट्रैवल किया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है दैट कनेक्ट ऑलमोस्ट टू द नागालैंड एंड जो आसाम का अपर असम का पार्ट है डिब्रूगढ़ के तरफ, तो उस वो जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है लामडिंग। तो लामडिंग से मैंने डीमापुर तक बाय ट्रेन ट्रैवल किया एंड सुबह जैसे ही मैंने डीमापुर रेलवे स्टेशन पे आया तो मॉर्निंग पे मेरे को कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रहा था। मेरा तो प्लान था कि फ्रॉम गुवाहाटी टू डीमापुर, मेरे पास ज़्यादा बजट नहीं था, अराउंड 1000 रुपीस पड़े हुए थे मेरे पॉकेट पे एंड आई वांटेड टू गो टू कोहिमा। तो मैं क्या कर सकता था, मैं लिफ्ट ले रहा था बट क्या है कि जो नागालैंड का रोड का कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है। एक एशियन हाईवे 1 करके प्रोजेक्ट चल रहा है, दैट इज़ जापान से लेकर के एक रोड कनेक्ट हो रहा है टर्की तक, तो वो जो रोड वेज था वहाँ पे जो रोड था काफ़ी ख़राब था, तो उसके वजह से ट्रक्स ज़्यादा चल नहीं रहे थे, तो अगर कुछ चल भी रहे थे तो छोटा मोटा गाड़ी चल रहा था, तो उस पर मेरे को लिफ्ट लेने में काफ़ी दिक्कत रहा। तो मैंने अराउंड 1 to 2 hours इधर से उधर लोगों से पूछता गया बट मेरा 1 to 2 hours उधर ही चला गया, तो मेरे को कोई भी लिफ्ट नहीं दे रहे थे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि आई मेट विथ वन नागा गाई, मतलब मैं स्टेशन पर वापस आ रहा था कि चलो लिफ्ट नहीं दे रहे हैं तो एक काम करते हैं कि जो गाड़ी जा रहे हैं उन पर ही चले जाते हैं। तो वहाँ पे मैंने इंसान से मिला, सो वो रेलवे स्टेशन पे अपना मॉर्निंग वर्क कर रहे थे, तो वो थे जेम्स भैया। तो क्या हुआ, दैट वाज अ कोइंसिडेंस, मैंने उनसे जैसे ही मिला तो उनसे मैंने पूछा कि आपको पता है क्या कि कोहिमा के लिए कहाँ पे बसेस जाते हैं और कैसे लिफ्ट लिया जाता है। तो उन्होंने मेरे हाथ पे गोप्रो एंड हैवी बैकपैक्स वगैरह देख के मतलब पूछे मेरे से कि आप कहाँ से हो और नागालैंड में क्या करने के लिए आए हो। तो मैंने उनको बोला कि मेरा घर जो है वेस्ट बंगाल का पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में है एंड मैं नागालैंड आया हूँ हॉर्नबिल फेस्टिवल का वीडियो शूट करने के लिए और वहाँ का जो कल्चर है वो चीज़ देखने के लिए। तो उन्होंने बोले कि यार यू केम लाइक फ्रॉम माय सेकंड होम, उनका जो पोस्टिंग था वो पुरुलिया में ही है एंड वो आर्मी में काम करते हैं, तो उन्होंने मेरे को बोले कि यू आर वेलकम टू माय होम। फिर उन्होंने अपने घर पे मेरे को लेके गए और उनके साथ मैंने लंच किया, फिर उन्होंने मेरे को बस का टिकट करवा के दिए और फिर मैंने हॉर्नबिल फेस्टिवल देखने के लिए गया। दैट वाज क्वाइट अमेजिंग एक्सपीरियंस कि रोड पे जाओ और किसी को पहचानते नहीं हो उसके साथ मिल जाना और उन्होंने अपने घर पे मेरे को इन्वाइट किया। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट मतलब स्टोरी जिस चीज़ के साथ मैं अभी भी काफ़ी जुड़ता हूँ कि अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो देर इज़ समवन टू हेल्प मीन्स रोड आर ऑलवेज टू ओपन। ऐसा सोचना नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है या फिर मेरे को रूट्स नहीं पता है मैं इतना दूर कैसे ट्रैवल करूँगा, यू कैन एनी हाउ यू कैन ट्रैवल और आप कनेक्ट भी कर सकते हो। वो एक हिस्सा था। देन आफ्टर दैट वन आई रीच्ड कोहिमा, तो कोहिमा में फिर मैंने हिच हाइकिंग करने का कोशिश किया, तो हिच हाइकिंग करके कोहिमा से किसामा विलेज गया। किसामा वाज द पार्ट जहाँ पे नागालैंड का जो कल्चरल फेस्टिवल एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन हॉर्नबिल के लिए, तो वहाँ पे गया। तो वहाँ पे लोगों के पास मेरे पास अराउंड कुछ पैसे पड़े हुए थे बट इन माई पॉकेट ओनली 10 rupees लेफ्ट, मतलब ATMs पे पड़े हुए थे बट आसपास में कुछ पैसे के लिए ATMs दिख नहीं रहा था मेरे को। तो वहाँ पे जैसे आप एंट्री करते हो पर डे का शायद 30 rupees करके टिकट था। मैंने ये सारा चीज़ अपने YouTube वीडियोस पे अपलोड भी कर चुका हूँ कि मैंने किस तरीके से गया और नहीं गया, वो आप जाके देख सकते हो। तो वहाँ पे लोगों को बोला कि मैं ऐसे ऐसे विदाउट मनी एंड हिच हाइकिंग करके एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, नागालैंड आया हूँ इतना दूर से। तो उन्होंने फिर मेरे लिए टिकट्स भी नहीं लिया और फिर उन्होंने मेरे को एंट्री दे दी। दैट वॉज क्वाइट अमेजिंग पार्ट। फिर रात में जाके क्या करूँ, आई हैड माई ओन टेंट उस टाइम, तो टेंट पिंच करने का कोई जगह नहीं था। तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने वहाँ का जो टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर है उनके साथ बात किया और उन्होंने मेरे को एक स्पेस दिए टेंट पिंच करने के लिए। मैंने वहाँ पे टेंट पिंच किया और वहाँ पे 2-3 लोग जो है मतलब हॉर्नबिल का जो एरिया होता है वहाँ पे स्टूडियो वगैरह लगता है, तो वहाँ पे 2-3 लोग अपना स्टूडियो लगा रहे थे मेरे जैसे एज के थे, उनके साथ मैंने बात किया, फिर उन्होंने मेरे को रहने का स्पेस दिया। दैट वाज लाइक नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब हॉर्नबिल पे तो एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस होता गया। जब आपके पास पैसे नहीं होते तब आपका थर्ड सेंस काम करता है, यू नो ट्रैवल ओपन योर थर्ड
मोमेंट आए, मतलब क्या बोलूँ कि अचानक से कनेक्शन बनता गया। देन उस तरीके से मैंने वहाँ पे स्टे लिया एंड काफ़ी अमेजिंग जर्नी था। एंड हाँ, और दूसरा बात एक चीज़ हुआ था कि आफ्टर आई स्टेड देयर क्या हुआ कि मेरा एक क्लोज भैया है, वो नॉर्थ ईस्ट में अभी इंडिया जियो में काम कर रहे हैं, जियो के नेटवर्क्स पे, तो उनके अंडर काफ़ी सारे टीम्स जो है नागालैंड में काम कर रहे थे। तो मैंने उनको एक बार कॉल किया, तो उन्होंने उनके टीम मेंबर्स को फ़ोन किया, फिर उन्होंने अपने घर पे मेरे को अराउंड 10 डेज के लिए रखा, क्योंकि उस टाइम नॉर्थ ईस्ट में CAA को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, आसाम वॉज टोटली क्लोज। तो मैं वहाँ पर अराउंड 10 दिन के लिए फंस गया था, बट आफ्टर दैट सिचुएशन जब ठीक हुआ तो मैं फिर वहाँ से मतलब आराम से आ पाया। That was like quite amazing journey. उनके साथ भी बंगाली खाना कुक किया और काफ़ी सारा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। उसको भी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे भी डाला हूँ, तो आप वो जाके देख सकते हो। फिर दूसरा छोटा सा किस्सा हुआ, वहाँ पे क्या हुआ कि वन डे मेरे को वो जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट था जहाँ पे टेंट पिंच करने के लिए जगह दिया था, तो टूरिस्ट वाले ने बोला कि भाई तुमको टेंट पिंच करने के लिए जगह दिया हूँ और तुम और भी 2-3 लोगों को ऐसे बुला रहे हो, मतलब क्या बोलूँ कि वहाँ पे और 2 लोग मिल गए थे जिनका भी रहने का कोई स्पेस नहीं था। बिकॉज आप जब भी आप नॉर्थ ईस्ट पे हॉर्नबिल फेस्टिवल देखने के लिए जाते हो तो दैट इज़ क्वाइट हाई, मतलब वहाँ पे जो एक्सपेंसेस होता है खाना पीना एंड रहना बहुत हाई होता है। तो उन्होंने मतलब टूरिस्ट डिपार्टमेंट मेरे से बहुत गुस्सा हो गया था कि आप क्यों लोगों को इस तरीके से इनवाइट कर रहे हो और क्यों लोगों को इस तरीके से बुला रहे हो उसके वजह से। देन सडनली हम लोग कोहिमा सिटी एक्सप्लोर करने के लिए गए, मैं और मेरा एक दोस्त था शरद, जिससे मैं मिला था वहाँ पे, तो उसको मैंने अपना टेंट पे बुला लिया था। तो उस बंदे ने तो हम लोग को वहाँ से निकाल दिया। देन व्हाट आई डिड वाज, जिसके साथ मेरा बहस चल रहा था कि आज रात के लिए दे दो कल सुबह से चला जाऊँगा, आज रात के लिए दे दो सुबह से चला जाऊँगा, देन उसी टाइम वहाँ पे एक चोर पकड़ा गया। तो वो जो टूरिस्ट फैसिलिटेशन वाला बंदा था उसने चोर पकड़ लिया, वहाँ का पुलिस के साथ बात हो रहा था और एक बॉडी बिल्डर से ऐसा लड़का था जो चोर को ऐसे पकड़ के ला रहा था और पुलिस वाले को समझा रहा था कि देखो उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, आगे से ये चोरी नहीं करेगा, इस तरीके का चीज़। और उसी टाइम मेरा जो टूरिस्ट वाला बनना था उसके साथ मेरा भी कॉन्वर्सेशन चल रहा था कि आज रात के लिए रहने के लिए दे दो। तो सामान जो बॉडी बिल्डर वाला बनना था उसने हमारा कॉन्वर्सेशन सुना और उन्होंने अपने घर पे मेरे को इनवाइट किया कि यू कैन स्टे विद अस, जस्ट फील सेफ, ऐसे अपने जैसे ही समझो और यू कैन स्टे, मतलब मैं उनके घर पे जाके स्टे कर सकता हूँ। तो वो जो बंदा था दैट गाय केम आउट, मतलब हम लोग के एक ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एसोसिएशन करके कम्युनिटी है, मतलब आई रेड फ्रॉम सैनिक स्कूल पुरुलिया, तो एक एसोसिएशन है, तो वहाँ पे मतलब ही वाज आल्सो ए सैनिक स्कूल प्रोडक्ट, मतलब वो सैनिक स्कूल इम्फाल का था। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसके साथ भी, उन्होंने अपने घर पे इनवाइट किया, उनके साथ रहा, फिर अपना भैया ने जो कांटेक्ट दिया था उनके साथ रहा, देन हॉर्नबिल फेस्टिवल इस तरीके से किसी तरीके से अराउंड टोटल कंप्लीट किया। एंड आफ्टर दैट आई केम बैक टू गुवाहाटी, गुवाहाटी में मृगांको के साथ किचन गार्डन बनाया उसके घर पे जाके, उसका भी वीडियोज़ मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ। एंड उसके साथ साथ आई केम बैक टू माई होम, दैट वॉज लाइक 3 मंथ्स ट्रैवल जानी, क्वाइट अमेजिंग एक्सपीरियंस था, जिसका कुछ कुछ वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाल दिया हूँ। ग्रीन कमांडोज वाला डाल नहीं पाया हूँ, बट आई होप दैट कि आगे जब वो एडिट हो जाता है और ऑडियोज का जो टेक्निकल एरर है वो ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद मैं उसको आराम से डाल सकता हूँ। दैट वाज द फाइन पार्ट। आई होप दैट कि मेरा जो ट्रैवल एक्सपीरियंस था वो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके से मैं अलग अलग वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। और मेरा अभी का जो एक्सपीरियंस है राजस्थान, लास्ट 6 मंथ से लॉकडाउन पड़ा हुआ है, उसके बाद भी मैंने कैसे और कहाँ कहाँ पे ट्रैवल किया वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, लेकिन आगे आने वाले वीडियो पे। तो आज के लिए इतना ही, फिर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करो और साथ में कॉमेंट करके बताओ यार कि मैं और क्या क्या वीडियोज़ अपलोड कर सकता हूँ। थैंक यू।